कि झारखंड आज बर्बाद हो गया। यह युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी हेमंत सरकार को उपलब्धि मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हेमंत सोरेन जी के भ्रष्टाचार से इतने परेशान है कि आप अभी कहीं भी चले जाइए। ये बर्बादियों भरा 3 साल रहा। हेमंत सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा सरकार के विफलताओं को बताकर आक्रोश मार्च निकालकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया रहे हैं। आज रांची के हरमू चौक में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आक्रोश रैली निकाला गया, वहीं जमकर नारेबाजी भी की। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 3 साल में अपराधियों का बोलबाला रहा है, महिलाएं विरोधी ये सरकार रही है, हत्याएं बलात्कार का मामला बढ़ा है, किसानों के साथ भी धोखा हुआ है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा इन्होंने। देखिए, आज 3 साल का जश्न हेमंत सोरेन की सरकार मना रही है। नैतिकता के आधार पर उनको जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये बर्बादियों भरा 3 साल रहा। युवा आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। महिला आज परेशान अवस्था में है। आज जिस प्रकार महिलाओं का 5,000 से अधिक संख्या में बर्बरता पूर्वक बलात्कार के बाद निर्ममता पूर्वक हत्या किया गया, यह अपने आप में पूरे राष्ट्र में झारखंड एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। ऐसे प्रदेश में जहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, जहाँ के मुख्यमंत्री को ईडी और सीबीआई और कई जांच एजेंसियों के कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है, ऐसे सरकार को उपलब्धियों का जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज हम लोग बर्बादी दिवस मना रहे हैं कि झारखंड आज बर्बाद हो गया, और पूरा युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ता हरमू चौक पर सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि यह युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी हेमंत सरकार को उपलब्धि मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये बर्बादी का दिवस है आज। देखिए, हम लोग पुतला दहन के माध्यम से अपना विरोध सड़कों पर दिखा रहे हैं। यह सरकार 3 वर्ष का जश्न मना रही है, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि किस चीज का यह जश्न मना रही है, क्योंकि 3 साल ऐसे हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। 3 साल ऐसा है जिसमें कि झारखंड की जनता पस्त हो चुकी है। हेमंत सोरेन जी के भ्रष्टाचार से इतने परेशान है कि आप अभी कहीं भी चले जाइए, पूरे के पूरे कोई भी, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, सरकारी पदाधिकारी हो या आम जनता हो, सभी लोग बहुत तरीके से परेशान हैं। और जल्द से जल्द इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम और जनता के दिलों में है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और यह सरकार राज्य से हटाई जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।